कानून के कारण जो अवरोधक उनकी कार्यप्रणाली में आ सकते हैं उसको ठीक कर सकते हैं, लेकिन देश की जनता को भी उस कानून के अंदर अपनी भागीदारी रहे, डायरेक्ट भी भागीदारी रहे, अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से भागीदारी बने, जनप्रतिनिधि भी कानून बनाते समय संसद हो या विधानसभाएं हो उस समय जनता की भावनाओं को अभिव्यक्ति करें, यह मेरा लगातार प्रयास रहता है। और इसी तरीके का प्रयास देश की और लोकतांत्रिक संस्थाओं में है। मैं देखता हूं कि कई पंचायतें, कई बीडीसी, कई जिला परिषद, कई कौंसिल, कई नगर पालिकाएं, नगर परिषद की बैठकें नियमित नहीं होती, ग्राम सभाएं नहीं होती। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि पंचायत राज इंस्टीट्यूशन के अंदर हम अधिकतर जनता की सक्रिय भागीदारी कैसे निभा सकते हैं, इसमें अलग अलग ग्राम पंचायत अपने प्रोसीजर, अपने सिस्टम को डेवलप करें, नगर पालिकाएं सिस्टम को डेवलप करें, तो शायद हम जनता की भावनाओं के अनुरूप हम प्लान बनाने में सफल होंगे। पहली प्राथमिकता क्या होगी, ये उस लोकतांत्रिक संस्थाओं को समय समय पर जानकारी मिलेगी। और इसीलिए आज लोकतंत्र में केवल समस्या अभावों की चर्चा नहीं होती, अच्छी लोकतांत्रिक संस्थाओं के अंदर सामाजिक और आर्थिक स्तर पर क्या बदलाव हो सकता है, व्यक्ति के सामाजिक जीवन में क्या बदलाव कर सकते हैं, उसके आर्थिक जीवन में क्या बदलाव हो सकता है, हम किस तरीके से आत्मनिर्भर गांव बने, हमारे उत्पाद, हमारे हस्तकला, हमारे प्रोडक्ट को किस तरीके से हम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाजार उपलब्ध करा सकते हैं। आज लद्दाख की कई चीजें जिनका ठीक से जानकारी देश और दुनिया को मिलेगी तो प्रोडक्ट की कीमत भी बढ़ेगी और स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। और यह सभी संभव है जब हमारे नीचे स्तर पर लोकतंत्र मजबूत होगा, सशक्त होगा। लोकतंत्र व्यक्ति के जीवन में सामाजिक आर्थिक विकास में व्यापक परिवर्तन करने का सबसे बड़ा आधार है। आज दुनिया सब एक बाजार हो चुकी है। लद्दाख में क्या उत्पाद दुनिया में बेचा जा सकता है, हम उस उत्पाद की क्वालिटी को, उस उत्पाद से होने वाले फायदे को जब देश और दुनिया को बताएंगे तो लोग उस उत्पाद को खरीदने के लिए लद्दाख में आएंगे। मुझे कल एमपी साहब कई चीजों के बारे में बता रहे थे, लेकिन कई लोगों को इसकी जानकारी नहीं होगी। और इसलिए मेरा बार बार आग्रह रहता है कि हमें ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के माध्यम से, बीडीसी के माध्यम से, हमारी ऑटोमेस काउंसिल के माध्यम से हम लोगों के अभाव, समस्या और विकास की योजनाएं तो बनाएं, लेकिन उसके साथ साथ लोगों के आर्थिक जीवन में क्या परिवर्तन ला सकते हैं, कैसे उसको आत्मनिर्भर बना सकते हैं, इस दिशा के अंदर भी काम करने की आवश्यकता है। आज यही कारण है कि आप देख रहे होंगे कि देश और दुनिया का पर्यटक अब लद्दाख की ओर आने लगा है। आज से 10 साल पहले और आज के हालात देखोगे तो मैं जिस गली में निकला उस गली में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है। हम इसको और टूरिज्म पैलेस बना सकते हैं। कई माननीय मंत्री महोदय यहां पर आए थे,
जिन्होंने यहां पर विंटर स्पोर्ट्स की योजना बनाई है। आज भी पर्यटन मंत्री यहां पर आए, हमारी उनसे चर्चा होनी चाहिए। हम लद्दाख को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय टूरिस्ट मैप पर कैसे ला सकते हैं, हमारे अच्छे, जब दुनिया देखेगी कि सर्दी के अंदर जब वाटर व्हाइट रेगिस्तान को देखेगी तो दुनिया देखेगी व्हाइट रेगिस्तान को देखना है तो लद्दाख चलो। और कितनी दुनिया के देश है, कितने भारत के पर्यटन हैं जो आज पर्यटन के लिए सर्दी के मौसम को चुनते हैं। और इसीलिए हमें हमारे स्पोर्ट्स, यहां की खान पान, यहां की संस्कृति को दुनिया को बताने की आवश्यकता है। ये लद्दाख एक शांति का संदेश दुनिया को देता है और इसीलिए बौद्ध विचार यहां पर दुनिया में फैले हुए हैं। महात्मा बुद्ध ने हमेशा करुणा, दया, सहिष्णुता केवल व्यक्ति में नहीं, पशु, मूक पशु के अंदर के प्रति भी दया हो, करुणा हो, सहिष्णुता हो, इस भाव को पैदा किया है। इसलिए एक शांति प्रिय प्रदेश जहां हम देश और दुनिया को आकर्षित कर सकते हैं, इस दिशा के अंदर में काम करने की आवश्यकता है। मैं इस मौके पर आप सभी को एक ही आग्रह करना चाहता हूं कि हमें अपने अपने गांव में अपने गांव की प्रगति के लिए संकल्पित होकर, प्रतिबद्ध होकर कार्य करने की आवश्यकता है। हमारा विचार सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की भावना से हम काम करें, एक नई ऊर्जा के साथ काम करें। हम नई ऊर्जा के साथ राष्ट्र के निर्माण में हमारा योगदान दें, इसके लिए मैं आप सबको आग्रह करता हूं। मुझे आज यहां आकर बहुत अच्छा लगा कि आपने बहुत सक्रिय भागीदारी निभाई है। जो बातें, जो विषय आपने यहां रखे हैं, मैं उन विषयों को सरकार तक पहुंचाऊंगा। हमारे गृह राज्य मंत्री जी यहां बैठे हैं, आपके विचारों, अनुभवों के आधार पर वो यहां की कार्य योजना बनाएंगे। उनके केंद्र बिंदु में लोकतांत्रिक संस्थाएं होंगी, यहां की जनता होगी, यहां की जनता का कल्याण होगा, ताकि हम और इस क्षेत्र के विकास और कल्याण के लिए काम कर सकें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।